हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति यादव स्वागत करती हूं आपका हमारी एक और नई वीडियो में। अगर आपने पहली बार प्रेगनेंसी कंसीव की थी और आपका मिसकैरेज हो गया है तो आपके घर वाले, आपके फ्रेंड्स सब बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए ताकि आपकी बॉडी जल्दी रिकवर हो जाए, लेकिन आपको कोई ये नहीं बताता कि आपको मिसकैरेज के बाद क्या नहीं खाना चाहिए ताकि आपकी बॉडी पर इसका बुरा प्रभाव ना पड़े और आप जल्दी से दोबारा से प्रेगनेंसी कंसीव कर सके। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मिसकैरेज के बाद आपको कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो आप हमारे इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो को कहीं से भी स्किप ना करें। पेरेंटिंग से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखिए, मिसकैरेज के बाद सभी लोग आपको ये तो सजेस्ट करते ही हैं कि आपको अच्छी डाइट लेनी चाहिए ताकि आपकी बॉडी रिकवर कर सके, लेकिन अच्छी डाइट का मतलब ये भी है आपको उन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए जिससे आपकी बॉडी पर बुरा प्रभाव पड़ रहा हो। तो चलिए बात करते हैं कि आपको मिसकैरेज के बाद कौन कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। इसमें आपको लो फाइबर वाले खाने को अवॉइड करना पड़ेगा। वैसे तो कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है और बहुत ही ज़रूरी ताकत देता है और आपकी बॉडी के अंदर शुगर के लेवल को भी मेनटेन करता है, लेकिन लो फाइबर वाले जो खाने होते हैं उनका उल्टा असर भी आपकी बॉडी पर पड़ता है, जिसकी वजह से आपके शरीर में शुगर लेवल बहुत तेज़ी से कम या फिर ज़्यादा होने लगता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग फाइबर वाले खाने को अपनी डाइट में कम रखें। इसके लिए आपको इंस्टेंट राइस या फिर एग नूडल्स, इन सभी को कम मात्रा में खाना शुरू कर देना चाहिए ताकि आपके शरीर पर लो फाइबर वाले खाने की वजह से होने वाले इफ़ेक्ट ना पड़े। दूसरा, आपको मीठा खाना कम करना होगा। वैसे तो मीठे में बहुत सारी कैलोरीज होती हैं, लेकिन आपको ऐसी मीठी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा जिनका GI यानी कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक ऐसा नंबर होता है जिससे ये पता चलता है कि अगर आपके शरीर में कुछ ग्लूकोज दिया जाए तो वो आपके ब्लड में कितना घुल जाता है। तो ऐसे मीठे जिनके अंदर ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है उन्हें आपको खाने को अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि आपको कैंडीज नहीं खानी चाहिए, आपको कार्बोनेटेड ड्रिंक्स नहीं पीना चाहिए जिनको आप कोल्ड ड्रिंक भी कह सकते हैं। तो आपको कोल्ड ड्रिंक और कैंडीज को अवॉइड करना चाहिए ताकि आपकी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए। तीसरा, आपको ऐसी चीज़ें खाने को अवॉइड करना होगा जिनसे आपकी बॉडी में सूजन आ सकती है, क्योंकि सूजन की वजह से आपको पेन भी हो सकता है और आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। ख़ास तौर पर अगर आप मीट खाती हैं या फिर हॉल मिल्क पीती हैं तो आपको इसे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से आपके शरीर में सूजन आ सकती है जिसकी वजह से आपको दर्द तो होता ही होता है, साथ के साथ आपको असुविधा भी होने लगती है। ऐसे में आपको लैम्ब, बीफ, पोर्क, बटर और चीज़, ये सारी चीज़ें नहीं खानी चाहिए ताकि आपके शरीर में सूजन ना आ जाए। चौथा, आपको जंक फूड को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। हो सकता है कि आपको मिसकैरेज के बाद जंक फूड खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो, ऐसे में अगर आप बहुत कम मात्रा में जंक फूड खाती हैं तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप मेन कोर्स के तौर पर जंक फूड को खाती हैं तो इसकी वजह से आपकी बॉडी में कैलरी तो पहुँच जाती है लेकिन आपको जो न्यूट्रिशंस मिलने चाहिए वो नहीं मिलते, जो कि आपकी बॉडी को बहुत ज़रूरत है। तो ऐसे में आपको जंक फूड कम खाने चाहिए ताकि इसका बुरा असर आपकी बॉडी पर ना पड़े और आप अपनी अगली प्रेगनेंसी के लिए जल्दी से जल्दी तैयार हो सकें। पांचवा, आपको सोया से बनी हुई चीज़ों को खाना बंद करना होगा। वैसे तो सोया आपके शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, लेकिन इसके अंदर फाइलेट नाम का एक केमिकल होता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी आयरन को कंज्यूम नहीं कर पाती। ऐसे में आपको अगर सोया खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है तो आपको बहुत ही कम अमाउंट में सोया खाना चाहिए। इसके अलावा आपको कुछ और चीज़ों को भी अवॉइड करना चाहिए जिससे आपके शरीर के अंदर बैक्टीरिया ना बने और आपको इन्फेक्शन ना हो। तो ऐसे में आपको सॉफ्ट चीज़, कच्चा मीट, सी फूड, ये सब नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा मिसकैरेज वैसे ही आपके दिमाग पर बहुत ही बुरा असर डालता है, तो अगर हो सके तो अपने दोस्तों से उसके बारे में बात करें। अगर आपको लगता है कि आपको रोने की इच्छा हो रही है तो आप रो लें, लेकिन अपने अंदर मिसकैरेज के बाद वाली भावनाओं को दबाएं नहीं, ऐसा करने से भी आपको काफ़ी अच्छा लगेगा।
उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको मिसकैरेज के बाद कौन कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है जिसमें हमने ये बताया है कि मिसकैरेज के बाद आपको क्या खाना चाहिए ताकि आप अगली प्रेगनेंसी के लिए जल्दी से जल्दी तैयार हो सके, जिसका लिंक ऊपर आई कार्ड में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अब अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।